जो कि ट्यूबुलर सिटी सिस्टम किसके अंदर मौजूद है, प्लेन एरिया के पास। इसकी सबसे बड़ी पहचान प्लेन एरिया के अंदर देखी जाए तो यहां पे सबसे बड़ी पहचान ब्रांचेस ऑफ प्रोटोनेफ्रिडियम, जो प्रोटोनेफ्रिडियम की ब्रांचेस होंगी आर कैप्ड बाय, जो कि कैप्ड होती हैं, आर कैप्ड बाय सेलुलर सेटअप, आर कैप्ड बाय सेलुलर सेटअप। तो कहा जाता है कि जितनी प्रोटोनेफ्रिडियम की ब्रांचेस हैं उसके एंड पर आपको सेल्स नजर आएंगे, सेल्स का सेटअप नजर आएगा, और उन सेल को नाम देते हैं दी सेल्स आर कॉल्ड, और बच्चे इसको भूलना नहीं है, दी सेल्स आर कॉल्ड फ्लेम सेल। तो इन ब्रांचेस के आखिर में जो सेल्स होते हैं उन सेल्स को नाम देती हैं फ्लेम सेल। अभी मैंने एक्सक्रीशन के बारे में नहीं बता रहा कि एक्सक्रीशन कैसे होती है, पहले यह तो पढ़ो प्रोटोनेफ्रिडियम है क्या चीज है। तो प्रोटोनेफ्रिडियम ट्यूबुलर सिटी सिस्टम है, इंटरनल ओपनिंग नहीं होती, पूरे इसके बॉडी में फैल है, हर ब्रांच के एंड पे सेलुलर सेटअप है, और उस सेलुलर सेटअप में जो आपको सेल नजर आता है उसका नाम क्या, फ्लेम सेल। तो देखते हैं फ्लेम सेल इसको क्यों कहते हैं, कैसे बॉडी के ऊपर यह फैला हुआ है। फॉर एग्जाम्पल देखा जाए तो जो प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया, ये एक प्लेन एरिया है, ये कंप्लीट स्केच है, ये एक प्लेन एरिया है। अब जो प्लेन एरिया है इसकी पूरी बॉडी के ऊपर ये ट्यूब्यूलर एक्सक्रीटरी सिस्टम जो के स्प्रेड हुआ है, हम इसको नाम देंगे दे आर कॉल्ड प्रोटोनेफ्रिडियम। यह है प्रोटोनेफ्रिडियम, यह आ गया प्रोटोनेफ्रिडियम। प्रोटोनेफ्रिडियम की क्या होती है, ब्रांचेस, ये ब्रांचेस हैं, ये आपको ब्रांचेस नजर आ रही है। अब एक ब्रांच को मैं बड़ा कर रहा हूं, एक ब्रांच को बड़ा कर रहा हूं, ये एक ब्रांच को बड़ा किया तो एंड पे आपको सेल नजर आया, ये आपको सेल नजर आया, ये आपको सेल नजर आ रहा है जो कि विदाउट इंटरनल ओपनिंग में, ये इस सेल का ये जो आपको नजर आ रहा है ये वाला हिस्सा, ये इसका खाली जगह जिसको कहते हैं साइटोप्लाज्म, ये इसका क्या नाम है, साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म में ये आपको नजर आ रहा है जो कि इस सेल का सेंट्रल पॉइंट होता है, आपको पता है उसको नाम है न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है। अब ये सेल का नाम है फ्लेम सेल, इस सेल का नाम क्या है, फ्लेम सेल। फ्लेम सेल क्यों कहते हैं, वजह बता रहा हूं, इस फ्लेम सेल के पास मौजूद होता है गुच्छा सीलिया का, सीलिया का गुच्छा मौजूद है, सीलिया का, सीलिया का गुच्छा, ये सीलिया मैंने बना दी, ये सीलिया है, और ये जो सीलिया है, सीलिया ये जब बीटिंग करते हैं ऐसे, फ्लिकरिंग करते हैं, जब ये बीटिंग या फ्लिकरिंग करते हैं ऐसे लगते हैं जैसे आग का शोला है, तो आग के शोले की तरह जब ये बीटिंग करता है तो आग की शोले से निस्बत देखकर हमने इसको नाम दे दिया, दे आर कॉल्ड फ्लेम सेल। तो फ्लेम सेल की सबसे बड़ी खासियत क्या है, फ्लेम सेल की सबसे बड़ी खासियत क्या है, पहले देखो फ्लेम सेल के पास होता क्या है। फ्लेम सेल के पास देखा जाए, जिसके पास मौजूद होता है टफ्ट ऑफ सीलिया, सीलिया का गुच्छा मौजूद है। अब सीलिया करता क्या है, सीलिया का काम क्या है, सीलिया बीटिंग करता है, हिलता है, ऐसे हिलता है, सीलिया बीटिंग कैसे बीटिंग करता है, एज लाइक फ्लिकरिंग ऑफ फ्लेम, ऐसे जैसे आग का शोला फ्लिक कर रहा हो, ऐसे कर रहा हो। देयरफॉर दी सेल्स आर कॉल्ड, इन सेल्स को नाम दे दिया, और क्या नाम दे दिया, दे आर कॉल्ड फ्लेम सेल। तो फ्लेम सेल कहने की सर वजह क्या है, इसको फ्लेम क्यों कहते हैं, फ्लेम क्यों कहते हैं, तो फ्लेम सेल कहने की वजह मैंने आपको बता दी कि इसके अंदर जो सीलिया वो बीटिंग करता है, तो बीटिंग ऐसे कहता है जैसे कि फ्लिकरिंग ऑफ फ्लेम है, तो फ्लिकरिंग ऑफ फ्लेम की वजह से हम इन सेल को नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड फ्लेम सेल है। अब आए ये रिमूव कैसे करता है, वेस्ट मटेरियल को बाहर कैसे निकालता है, देखो जरा ये जो ब्रांचेस है इसकी बॉडी के अंदर है, ये जो प्रोटोनेफ्रिडिया बॉडी के अंदर है। अब बॉडी के अंदर फॉर एग्जांपल ये एनवायरनमेंट है, और इस बॉडी के एनवायरनमेंट के अंदर
प्रोटोनफ्रीडियम या फ्लेम सेल मौजूद है। आपको पता है कि जो बॉडी का एनवायरमेंट है, इसके बॉडी के अंदर जो फ्लूइड मौजूद है जिसके अंदर नाइट्रोजीनस वेस्ट भी होगा, ये सारे पानी का नाम है इंटरस्टीशियल फ्लूइड। इंटरस्टीशियल फ्लूइड नाम है इसका, इसका नाम है इंटरस्टीशियल फ्लूइड। फ्लूइड ये जो ब्रांचेस है, ब्रांचेस से बाहर आपको नजर आ रहा है। जब सीवियर बीटिंग करते हैं तो बीटिंग करने से ये सारा का सारा लिक्विड फ्लूइड अंदर की तरफ जाता है, फिल्टर होकर सारा वेस्ट मटेरियल अंदर की तरफ आता है। मगर ये कब अंदर आता है, ये कब फिल्टर होकर अंदर आएगा, जब सीलिया क्या करेगा, बीटिंग करेगा। तो मैं यहां पे बता रहा हूं कि मैं एक्सक्रीशन कैसे करवा रहा हूं। तो इसके अंदर सारा का सारा नाइट्रोजीनस वेस्ट फिल्टर होकर सारा का सारा अंदर आ गया, और अंदर आने के बाद ये इस नाली के पास पहुंच जाएगा, और इस नाली का नाम है एक्सक्रीटरी डक्ट। इसका नाम है एक्सक्रीटरी डक्ट। और ये जो एक्सक्रीटरी डक्ट है, ये जिस्म से बाहर जाके एक सुराख के जरिए खुल जाती है, जहां से सारा वेस्ट बाहर निकल जाता है, और इस सुराख को कहते हैं नफ्रीडियो पोर। इस सुराख को कहते हैं नफ्रीडियो पोर। तो पहला काम क्या हुआ, सीलिया बीट किया, इंटरस्टीशियल फ्लूइड से सारा नाइट्रोजीनस वेस्ट अंदर आ गया। अंदर आने के बाद कहां पे गया, एक्सक्रीटरी डक्ट के पास गया, और एक्सक्रीटरी डक्ट से बाहर की तरफ खारिज हो गया जिस सुराख से, उसका नाम है नफ्रीडियो पोर। अब यहां पे मैं अगर मैकेनिज्म लिखता जाऊं, मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म में मैं लिखूंगा सीलिया बीटिंग, जो सीलिया इसकी बीटिंग से क्या हुआ, सीलिया बीटिंग प्रोपल करवा देता है, प्रोपल ऑफ इंटरस्टीशियल फ्लूइड, ये इंटरस्टीशियल फ्लूइड को प्रॉपर करवा देता है, दाखिल करवा देता है किसके अंदर, इनटू ट्यूब्यूलर एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक हो गया, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर जो कि ट्यूब्यूलर एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उसके अंदर इसको क्या करवा दिया, प्रॉपर करवा दिया, अंदर दाखिल करवा दिया। दाखिल करवाने के बाद क्या होगा, इट ड्रेन, इसको दाखिल करवा दिया जाएगा, अगेन फेंक दिया जाएगा, इट ड्रेन्स इनटू किसके अंदर फेंका जाएगा, एक्सक्रीटरी डक्ट, इसको एक्सक्रीटरी डक्ट के पास पहुंचा दिया जाएगा, और एक्सक्रीटरी डक्ट से लास्ट में देन दिस वेस्ट रिमूव आउट, देन दिस वेस्ट रिमूव आउट, इसको बाहर की तरफ भेजा जाएगा। किसके जरिए से बाहर भेज दिया जाएगा, थ्रू नफ्रीडियो पोर, नफ्रीडियो पोर के जरिए से इसको बाहर भेज दिया जाएगा। तो नफ्रीडियो पोर की पहचान क्या है, ये एक्सटर्नल ओपनिंग है, बाहर की तरह जो ओपनिंग होती है एक्सटर्नल ओपनिंग, उसको नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड नफ्रीडियो पोर। मगर अंदर की ओपनिंग इसकी क्या है, क्लोज होती है, विदाउट इंटरनल ओपनिंग है, बाहर की जो ओपनिंग है उसका नाम क्या, नफ्रीडियो पोर। इस मैकेनिज्म से ये वेस्ट बाहर निकालता है, जिसका नाम है प्लेनेरिया।